दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। शोपियां के रिहायशी इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की सूचना मिली है। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने के बाद घर में छुपे हुए आतंकी, ऐसी खबर मिल रही है। खालिद हुसैन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। खालिद, क्या अपडेट है? सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, नागपल इलाका है शोपियां का, इमाम साहब में वहां पर, और वहां कैसों के दौरान जो सर्चिंग पार्टी थी उस पर फायरिंग हुई मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसको रिटेलिएट किया गया। फिलहाल इस एरिया को पूरी तरफ से कॉर्ड किया गया है, इंटरमीडिएट फायरिंग हुई है और कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी, उसके बाद फिर फायरिंग हुई और अभी फिलहाल कैसों को टाइट कर दिया गया है। उनको आशंका है कि कुछ मिलिटेंट्स 2 से 3 संख्या हो सकती है, वो वहाँ छुपे हुए हैं। फिलहाल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया गया है और कोशिश की जा रही है कि पिन पॉइंट किया जाए कि किस इलाके में मिलिटेंट्स किस दल में छुपे हुए हैं। जी बिल्कुल। और कितने आतंकी हो सकते हैं ये? देखिए, इनपुट जो था सुरक्षा बलों के पास वो 2 से 3 मिलिटेंट्स का था और एग्जैक्ट नंबर तो मुठभेड़ खत्म होने के बाद पता चलता है, लेकिन फिलहाल कॉर्डन को बहुत इंटेंसिफाई किया गया है और एनफोर्समेंट मंगाई गई है और तलाशी को तेज कर दिया गया है। अब देर इस बात की है कि किस मकान में छुपे हैं, उसको लोकेट किया जाए और उसके बाद ही फाइनल ऑपरेशन शुरू होगा। चलिए, शुक्रिया खालिद तमाम जानकारी देने के लिए।